What's up, new faces? आज मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था जिनका खुद भी एक यूट्यूब चैनल है और वो पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पर काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है। अपनी समस्या में जितना समझ पाया मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी और हेल्प करने का कोशिश किया। सेकंड ऑप्शन के तौर पर मैंने उनसे बोला कि आप एक बार यूट्यूब टीम सपोर्ट से भी बात कर लीजिए, आपको एक सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा और माइट भी वो आपकी ज्यादा हेल्प कर पाए या फिर मुझे भी जो ना पता हो वो आपको वो बता पाए। जिनके जवाब में उन्होंने मुझसे बोला कि उन्हें ये पता नहीं है कि कैसे करते हैं, जिसके लिए उन्होंने यूट्यूब सर्च भी किया है और काफी सारी वीडियोस देखने के बाद उन्हें ये पता चला है कि उसके लिए एक सर्टन क्राइटेरिया होता है जो कि उनका चैनल अभी उस क्राइटेरिया में नहीं पहुंचा है। मैंने खुद से भी वो वीडियो फाइंड आउट करने का कोशिश करा और जो मुझे मिला वो कुछ ये था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ये सभी चैनलों पर आएगा, चाहे चैनल पर कितने भी सब्सक्राइबर हो। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे पहले उनके जिनके 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे जब लिखा आता है कंटेंट द यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो आपको चैट का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप चैट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। आपने अभी भी जो भी देखा है, जो भी सुना है, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको कितना क्राइटेरिया चाहिए, क्या पर्टिकुलर सब्सक्राइबर लिमिट है जिससे आप यूट्यूब चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आपके चैनल पर ओवरऑल क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितने सब्सक्राइबर चाहिए। सो बने रहिए मेरे साथ, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, दिस इज विजय सिंह राजपूत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन टू ड्रीम स्ट्रगलर। लेट्स प्रारंभ इंट्रो। ऑलराइट गाइस, सो मैं अब आपको लेकर आया हूँ मेरे चैनल के डैशबोर्ड में और भाई साहब के कहे मुताबिक यूट्यूब से किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए जो सबसे पहली चीज थी वो चाहिए था 1,00,000 सब्सक्राइबर होना, यानी कि उनके मुताबिक ये क्राइटेरिया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो कि हैं 4,620 और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये लाख तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी उनकी कही दूसरी बात को मैं गलत साबित करने वाला हूँ कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप YouTube की टीम सपोर्ट से बात नहीं कर सकते जब तक आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं गया हूँ इस क्वेश्चन मार्क पर जिसको बोला जाता है हेल्प, मैंने इस पर किया क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे उन्होंने बोला कि ये सब ऑप्शन आएंगे आपके, आप कितने भी सब्सक्राइबर हों, सो ये सब आ रहे हैं और इसके साथ में नीचे आ रहा है विजिट हेल्प फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब वो आपको एक नया टैब ओपन होगा, हेल्प से रिलेटेड ही है जो कि यूट्यूब का अपना कम्युनिटी है, वहां पर आप जाएंगे और उसके बाद आप अगर अपने लोगो के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आएगा गेट सपोर्ट, आपको गेट सपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सपोर्ट पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होता है गेट क्रिएटर सपोर्ट जिस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये चार ऑप्शन, मोनेटाइज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कॉपीराइट इश्यूज है कुछ, कंटेंट आईडी क्लेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर चैनल या वीडियो फीचर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, जिस भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और चलिए मैं चूज कर लेता हूँ मोनेटाइजेशन एंड एडसेंस और मैंने यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आप फर्स्ट दो ऑप्शन देखेंगे तो मेरे पास आ रहा है रिक्वेस्ट चैट और ईमेल सपोर्ट और मेरे बिल्कुल भी 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं है जैसे मेरे प्रिय बंधु ने कहा। अगर मैं क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट चैट पर तो मुझे इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरा चैनल का URL मांगेगा। आप भी अपने चैनल का URL यहाँ पेस्ट करके स्टार्ट चैट कर सकते हैं। कोई 1,00,000 सब्सक्राइबर आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ पॉलिसी चेंज हुई है या फिर उनका कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव है सोचने का। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब टीम से बात करने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर उसके लिए सेपरेट कोई क्राइटेरिया है वो तभी हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ नहीं है एंड आई एम डैम श्योर कि वो किसी के भी साथ नहीं है। The only thing which you need to talk YouTube team support is कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है जो कि सबको पता है कि आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 आर व्यूविंग आर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है आपके पास ये फीचर आ जाता है। एक्चुअली ये फीचर पहले भी होता है जब आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर या फिर 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं होते तब भी आता है, लेकिन उसके उससे पहले जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता बहुत ही लिमिटेड फीचर होते हैं। और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है आपके पास यूट्यूब की तरफ से
चैट सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट दोनों मिल जाता है। बट ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी बोलता है कि उनका कोई कस्टमर केयर नंबर होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है, वो फ्रॉड होते हैं। वो आपसे 100 रुपीज प्लस GST मांगेंगे कि इस नंबर पर अगर आपको बात करनी है, यूट्यूब की टीम से आपको बात करनी है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, तो आपको 100 रुपीज प्लस GST उनको गूगल पे करना पड़ेगा या फिर दिए हुए लिंक पे आपको पे करना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूट्यूब की तरफ से कोई कस्टमर हेल्पलाइन नंबर नहीं है, आपको सिर्फ ईमेल सपोर्ट या फिर चैट सपोर्ट से ही बात की जा सकती है किसी भी टॉपिक के बारे में। सो आई गेस कि मेरा ये पहला जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ है और मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरा एक और इशू है जो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें एक ऑडियो रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हम फ्री म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आई गेस 2-3 मिनट का वीडियो है। अगर आप चाहें तो आप मेरे मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं या फिर ऊपर मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके चैनल का जो डैशबोर्ड होता है लेफ्ट साइड में आपके सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है ऑडियो लाइब्रेरी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे सॉन्ग्स आपके सामने आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर और एक एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। दोनों का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कोई एट्रीब्यूशन रिकॉर्ड वाला सॉन्ग चूज किया है तो उसका जो क्रेडिट डिटेल होता है वो आपको डालना पड़ेगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जनरली एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड ही क्लिक करता हूँ ताकि सारे फ्री सॉन्ग्स मुझे मिले। सॉन्ग सारे फ्री होते हैं लेकिन इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कोई भी क्रेडिट डिटेल देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको प्ले करिए, चेक करिए, आपको अच्छा लगता है डाउनलोड करिए और डायरेक्टली किसी भी वीडियो में कहीं पर भी इसे यूज करिए। बिल्कुल 110% कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है यूट्यूब की टीम की तरफ से। और बाकी सारे पेड ऑप्शन का हम डेफिनेटली श्योर कि आपको पता होगा गूगल पे भी बहुत सारे पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, मुझे अभी तक यूट्यूब से अच्छा कुछ लगा नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग मुझे मिल जाते हैं जो मेरी वीडियोस में काम आ जाते हैं, इवन मेरी हर वीडियोस में काम आ जाते हैं। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आपको दोनों जो ये मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं शायद आपको हेल्पफुल रहे। Alright guys, now I'm genuinely hoping you like this video. If you find it helpful, please hit the like button, subscribe to my channel, help me to grow myself, improve myself. और अगर आपके कोई suggestion या सुझाव है तो हमेशा की तरह comment box आपके लिए बिल्कुल खाली है। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए as I always said, keep it real, जैसे हो वैसे दिखो। Please don't forget to follow me on Instagram for all my crazy updates.